जोशीमठ से अगली खबर। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर दरार देखी गई है। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार आई है और हाईवे पर कई अन्य जगहों पर भी, नई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि दरारें देखी गई हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा और जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें देखी गई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरार आई हुई है। SBI शाखा के सामने भी दरार है। चुनार गांव जाने वाला जो रास्ता, वहां पर भी बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। मारवाड़ी पुल से 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें हैं। लगातार मुश्किलें यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रही हैं, देखिए आप। मारवाड़ी के पास हाईवे पर फिर से दरार आई हुई है। 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार की खबर है। हाईवे पर कई नई जगहों पर फिर से दरारें देखी जा रही हैं। ये नई दरारें बताई जा रही हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा, जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हुई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरार है। इसके अलावा SBI शाखा के सामने भी दरार की खबर है। चुनार गांव जाने वाला जो रास्ता है, वहां पर भी दरार आई हुई है। मारवाड़ी पुल से 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें देखी गई है। यहाँ पर देख लूंगा, यहाँ पर लगभग एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कल रात लगभग ये इसको बता दें 20 फीट का गहरा है और इससे जो 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 यात्रा वाहन है या यात्रा जो गाड़ी है, मेन हाईवे यही है। तो जानते हैं लोग किस तरह से ये गड्ढा हुआ, कैसे ये गड्ढा हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी ने बताया कि किस तरह से ये गड्ढा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये हमने भी कल शाम को देखा। ये जब इसमें गड्ढा देखा तो हमने बोला कितना गहरा गड्ढा होगा, फिर हमने इसको नापा तो तकरीबन 20 फीट या 25 फीट सरिया इसके अंदर गई और यहाँ पे इसके चारों तरफ फिर ये पत्थर का बैरियर किया गया। आप लगाओ कि ये हमारा एक राजमार्ग है, अगर इसमें यात्रा चले, क्या यात्रा सुरक्षित है? क्या किसी की गाड़ी या किसका मोटरसाइकिल या किसका बच्चा भी इस खड्डे में गिर सकता है? आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे एक ही नहीं, एक खड्डा आगे भी है जो कि पूरे रोड पर खड्डे बने जा रहे हैं और प्रशासन कह रहा है जोशीमठ सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक है? आप लोग देख सकते हैं और जो भी हालत अभी जोशीमठ की है ये दैनिक नहीं है, बहुत ही दुखदायक है और जल्दी से जल्दी सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेने चाहिए। जी आपने खुद यहाँ पर इसको नापा है, किस कितना गहरा है, कितना चौड़ा, कितना गहरा गड्ढा है ये लगभग? जी धन्यवाद। ये सवेरे हमने सरिया डाल के इसमें नापा है, बल्कि हमने इसको ग्रुप में भी भेज रखा है तो उसमें अभी आप लोग शायद देख पाएंगे। तो इसमें कम से कम 20-30 फुट गहरा ये सरिया से नापा गया है, तो कम से कम 20-30 फुट गहरा ये हो चुका है और इसके अंदर से जो है कि वो ठंडी ठंडी हवा सी भी निकल रही है और कम से कम आप भी देख पा रहे होंगे कि रोड में भी कम से कम 2-2.5 फीट का धसाव नीचे को बैठ गया है। अच्छा, जो ये गड्ढा हुआ है तो ये सीधे में नहीं है, ये रोड की तरफ को है, अंदर की तरफ को, तो ये कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो देखिए कुछ ही वक्त के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो नई दरारें यहाँ पर देखी गई हैं वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। एबीपी गंगा के सवाल क्या है इन दरारों को लेकर, वो आपको सबसे पहले बता दें। इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है। सरकार अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई है यहाँ के लोगों के लिए। जोशीमठ संकट के बीच चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। उससे पहले लगातार नई नई जगहों पर फिर से दरारें देखी जा रही हैं। जोशीमठ से मारवाड़ी जाने वाले हाईवे पर भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी दरारें हैं। जोशीमठ संकट के बीच कैसे होगी चारधाम यात्रा, ये बड़ा सवाल है। चारधाम यात्रा की शुरुआत कुछ ही वक्त में हो जाएगी। जोशीमठ संकट के बीच में क्या है प्रशासन की तैयारी, ये अब जोशीमठ के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या ऐसे हालात में चारधाम यात्रा संभव हो पाएगी क्या, ये सवाल बड़ा अपने आप में हो जाता है। जोशीमठ का हल नहीं निकला, यात्री कैसे संभव, यात्रा कैसे संभव है जब जोशीमठ का हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं। करीब 2 महीने का वक्त क्या कर रहा है प्रशासन, बड़ा सवाल ये कि 2 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला दिखाई नहीं दे रहा, रणनीति समझ में नहीं आ रही है। जोशीमठ संकट के बीच में कैसे होगी चारधाम की यात्रा, सबसे बड़ा सवाल ये। चारधाम यात्रा की तैयारी सरकार कर रही है लेकिन जोशीमठ के लोगों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया गया, ये बहुत सारे सवाल है जो खड़े होते हैं। और देखिए जोशीमठ का हल अभी तक सरकार नहीं निकाल पाई है तो यात्रा कैसे संभव है, यात्रा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। करीब 2 महीने का वक्त बचा आपके पास, 2 महीने का वक्त गुजार दिया लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं, प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन को लेकर सवाल, सरकार को लेकर सवाल, सरकार की मंशा को लेकर सवाल। संकट के बीच में कैसे होगी चारधाम यात्रा, एक तरफ तो दावा ये किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न करवाई जाएगी लेकिन उससे पहले जोशीमठ का कोई प्रबंध सरकार नहीं कर पाई है। जोशीमठ को बचाने की जो मुहिम चल रही थी उस पर भी सरकार कोई ठोस कदम लेते हुए दिखाई नहीं दे रही है।
अब देखिए बद्रीनाथ हाईवे पर दरार आई हुई है। चार तस्वीरें आप मेरे आसपास देख रहे हैं। हाईवे पर गहरा गड्ढा हो गया है, दरारें और बड़ी और चौड़ी होती जा रही हैं। जोशीमठ आपदा का संकट जो है, जो आपदा का संकट बना हुआ है, वो अभी बरकरार है। यहाँ के लोग बहुत चिंतित हैं, सरकार पर सवाल, और अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। अब जब ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर ही बेहतर कदम आप नहीं उठा पा रहे हैं, दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में चारधाम यात्रा कैसे संभव हो पाएगी, यात्रा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुनर्वास को लेकर, यहाँ के लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट करने को लेकर कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही, और इसी बीच में ये खबर है कि अलग अलग हिस्सों में नई दरारें देखी जा रही हैं, जो संकट को और गहरा करती हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।